टुडेज टॉपिक इज दैट इज नाइट्रोजन साइकिल. ओके, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ द नाइट्रोजन साइकिल. ओके प्लीज. कितना नंबर है? ओके, सो टुडेज टॉपिक इज नाइट्रोजन साइकिल. ओके, so firstly we have to discuss about that nitrogen is present in atmosphere in how much amount. Atmosphere generally consists of 78% that is nitrogen. Okay, as we have studied what that is, it is a kind of a inert gas. Okay, that do not react with any other things. Okay, that is in the form of inert gas in the atmosphere. Okay, jaise maine bataya tha aapko, it is in the form of dinitrogen. Okay, so next thing, what is thing, the nitrogen is important for the formation of what? Nucleic acid. Okay, proteins and amino acids. Okay, for amino acids. Okay, सो वट इज इट, नाइट्रोजन जो है बेसिकली बेटा वो किस लिए इंपॉर्टेंट होती है कि किस इसकी वजह से क्या होता है, जो न्यूक्लिक एसिड जो होता है जनरली इट इज फॉर्म. जैसे भी हमने न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ा था कि हमारे सेल्स में जो जेनेटिक मटेरियल फॉर्म होता है, ठीक है, दैट इज विच इज कंसर्न विद दैट, वो न्यूक्लिक एसिड्स है. ठीक है, प्रोटीन्स की फॉर्मेशन और अमीनो एसिड्स बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं प्रोटीन्स के, इन सबको फॉर्म करने के लिए क्या जरूरी है, दैट इज नाइट्रोजन जो है वो एसेंशियल होता है. ओके, so firstly plants generally use this nitrogen. okay, plants jo hote hain is nitrogen ko nitrogen ke compounds ke form mein istemal karte hain. theek hai, not use as this kind of a nitrogen which is already is present in the atmosphere in this form. okay, jo is form mein jo nitrogen atmosphere mein present hoti hai usko directly use nahi karte. वो किस में यूज करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजिनस कंपाउंड के फॉर्म में उसे कन्वर्ट करवा, मतलब कन्वर्ट होता है एंड देन उसके बाद उसे वो क्या करते हैं, यूज करते हैं. ओके, सो प्लांट्स जनरली इस नाइट्रोजन को किस लिए यूज करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ द व्हाट, दैट इज क्लोरोफिल. ओके, क्लोरोफिल कुछ हार्मोन्स के फॉर्मेशन के लिए. ठीक है, व्हाट, एंजाइम्स फॉर्मेशन एंड व्हाट, द प्रोटीन्स फॉर्मेशन के लिए. ओके, नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, दैट इज सम वाइटल सब्सटेंसेस. ओके, सो इनफॉर्मेशन के लिए प्लांट्स को किसकी जरूरत होती है, दैट इज नाइट्रोजन. ओके, सो वी हैव स्टडीड दैट नाइट्रोजन साइकिल क्या है, द व्हाट इट इज द साइक्लिक पाथ होता है जिसमें क्या होती है, नाइट्रोजन फिक्स होती है सॉइल में एंड देन आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, देन इट इज यूज्ड बाय द प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड आफ्टर दैट इट इज लेटर व्हाट इज इट रिटर्न बैक टू द एटमोस्फेयर. जो क्या होती है, दोबारा से एटमोस्फेयर में वापस क्या होती है, चली जाती है. ठीक है, एंड बैक हो जाती है दोबारा से. तो हम क्या करेंगे, इन्हें नाइट्रोजन साइकिल के डिफरेंट स्टेप्स के बारे में जाएंगे. तो जनरली व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ द नाइट्रोजन साइकिल. ओके, द फर्स्ट स्टेप इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, दैट इज नाइट्रोजन fixation. okay, these are the what, these are the steps. okay, first is nitrogen fixation, next is what, that is assimilation. assimilation, okay, third one is what, that is ammonification. ammonification, the third step is ammonification. okay, fourth step is nitrification. nitrification, okay, fifth step is denitrification. okay, these are some following steps of the nitrogen cycle. okay, the first one is the nitrogen fixation, second step is assimilation, third step is ammonification, fourth step is nitrification, and the fifth step is about
denitrification. So the various steps involve the different methods, okay, involves in it. Okay, so firstly we will start about the discussion about the nitrogen fixation. So firstly hum nitrogen fixation ke bare mein janenge. What is nitrogen fixation? Okay, so what is nitrogen fixation? The process of ye kya aisa ek process hai kiska of conversion of nitrogen, conversion of atmospheric nitrogen, of atmospheric what nitrogen into nitrogenous compounds. Okay, nitrogenous compounds. Okay, so what नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है बेटा? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होती है वो किस में कन्वर्ट होती है? नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स में क्या होती है? कन्वर्ट होती है. ओके, सो दैट वी कॉल एज अ नाइट्रोजन फिक्सेशन. हम उसे क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं. जनरली अगर बात करें तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है वो दो तरीकों से होता है. इट टेक्स प्लेस बाय टू मीन्स. ओके, द फर्स्ट वन इज that is lightning. Okay, the second one is BNF. What is BNF? It is what? Biological nitrogen fixation. Biological nitrogen fixation. Okay, so nitrogen fixations takes place by two means. The first one is lightning and second one is BNF, means biological nitrogen fixation with the help of the what? Some microorganisms. Means bio ya word aa raha hai, it means living ke through hoga. Theek hai, nitrogen ka fixation do tarikon se hota hai. Ek lightning ke process se hota hai, theek hai, aur ek process hota hai what? That is biological. Theek hai, so next thing is about the, firstly we will talk about the lightning process. How the basically nitrogen fixation takes place? By the process of lightning. Okay, the first one is that is lightning. So what happened? लाइटनिंग के बारे में तो आप जानते हैं. द इलेक्ट्रिक स्पार्क्स आर फॉर्म ड्यूरिंग द थंडर स्टॉर्म. जो इलेक्ट्रिक स्पार्क्स फॉर्म होती हैं कब? जब बहुत बड़ा एक थंडर स्टॉर्म या तूफान आता है तो उसकी वजह से क्या होती है? दैट इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ टू नेगेटिव और पॉजिटिव क्लाउड्स के टकराने की वजह से क्या होता है? जो स्पार्क्स फॉर्म होते हैं दैट इज द कॉज द लाइटनिंग. जो क्या होती है? लाइटनिंग फॉर्म करती है. ठीक है, तो इट मीन्स क्या होता है बेटा? लाइटनिंग के दौरान क्या होता है कि जो एटमोसफेयर में, ठीक है, एटमोस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, इट कंबाइन्स यानी रिएक्ट करती है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है. ठीक है, क्योंकि एटमोस्फेयर में नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन में भी प्रेजेंट है. ठीक है, इट इज 21%. ओके, एंड द अदर गैसेस आर आल्सो प्रेजेंट. तो व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द लाइटनिंग प्रोसेस? नाइट्रोजन व्हाट दैट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन. ठीक है, जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो वो क्या बनाती है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनाती है. क्या बनाती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनाती है, यानी ऑक्साइड्स ऑफ व्हाट वी कॉल इट एज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. ओके, दैट इज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. ओके, सो व्हाट हैपन? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो होते हैं, जो फॉर्म हो जाते हैं, तो व्हाट इट रिएक्ट्स विद द रेन वॉटर. वो किसके साथ रिएक्ट करती है? रेन वॉटर, क्योंकि बारिश भी तो होती है उस समय. ठीक है, तो रिएक्ट्स विद व्हाट? जनरली रेन वॉटर के साथ क्या होती है? रिएक्ट करती है और मिक्स विद इट. ठीक है, इसके साथ क्या होती है? रिएक्ट करती है और इसके साथ मिक्स हो जाती है. तो क्या बनाती है? नाइट्रिक एसिड बनाती है. क्या बनाती है? नाइट्रिक एसिड. ओके, नाइट्रिक एसिड जो होता है फॉर्म होता है. ओके, सो अब क्या होती है? बारिश के साथ ये नाइट्रिक एसिड जो होती है बूंदों के रूप में नीचे जमीन पर गिरती है, धरती पर. ठीक है, एंड दैट नाइट्रिक एसिड जो होता है वो किसके साथ? लाइमस्टोन जो सॉइल में प्रेजेंट है. लाइमस्टोन
जो सॉइल में प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करता है. क्लियर? उसके साथ रिएक्ट करता है एंड कन्वर्ट इनटू द, और फिर वो किस में कन्वर्ट होता है? नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होता है. किस में कन्वर्ट होता है? नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होता है. और इस तरह से वो नाइट्रेट्स क्या होते हैं? व्हाट दे आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट्स. क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट लाइटनिंग में क्या होता है, बेसिकली नाइट्रोजन जो होती है इट रिएक्ट्स विद लाइटनिंग हैपन. जब लाइटनिंग होती है तो उसमें नाइट्रोजन जो होती है ऑक्सीजन के साथ क्या करती है? रिएक्ट करती है. ठीक है? और रिएक्ट के वजह से क्या होता है? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेगी तो ऑक्साइड्स ही बनाएगी. ठीक है? जैसे कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है? तो कार्बन के ऑक्साइड्स बनते हैं. ठीक है? तो उसी तरह जब मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं मेटल ऑक्साइड्स. नॉन मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो वो ऑक्साइड्स बनाते हैं. किसके? तो उसी तरह नाइट्रोजन जो होती है, ठीक है, ऑक्साइड बनाती है. किसके? रिएक्ट विद द ऑक्सीजन दे फॉर्म द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. ओके? अब ये क्या होती है? रिएक्ट रेन वाटर के साथ क्या होती है? रिएक्ट करती है. इट गेट मिक्स विद द रेन वाटर. ठीक है? सो फॉग क्या फॉर्म होता है फिर? नाइट्रिक एसिड फॉर्म होता है. ठीक है? अब ये नाइट्रिक एसिड जो होती है वो किसके साथ फिर रिएक्ट करती है? क्योंकि वो फिर गिरेगी ना नीचे जमीन पर. ठीक है? तो सॉइल में वो लाइमस्टोन के साथ क्या होती है? रिएक्ट करती है नाइट्रिक एसिड, और इस तरह से क्या फॉर्म होता है? कन्वर्ट करती है इनटू द नाइट्रेट्स में. वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है. क्योंकि प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन का यही फॉर्म जो होता है, यही फॉर्म क्या है बेटा? यूजफुल है. किसके लिए? प्लांट्स के लिए. नाइट्रोजन का कौन सा फॉर्म यूजफुल है? नाइट्रोजन सिंपली हम नाइट्रोजन नहीं ना यूज करते, वो किसका फॉर्म यूज करते हैं? उसके कंपाउंड्स का फॉर्म यूज करते हैं. तो नाइट्रोजन का कौन सा कंपाउंड? दैट इज द नाइट्रेट. ओके? द नाइट्रेट इज द फॉर्म ऑफ व्हाट? नाइट्रोजनस कंपाउंड का वो फॉर्म होता है जो कि प्लांट्स यूज करते हैं. ठीक है? फॉर देयर व्हाट? फॉर द ग्रोथ एंड देयर डेवलपमेंट. फॉर द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट बेसिकली. ओके? क्लियर? सो इफ वी टॉक अबाउट द रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, हाउ इट टेक्स प्लेस जनरली ड्यूरिंग द लाइटनिंग प्रोसेस. ठीक है? कैसे केमिकल रिएक्शन जो होती है वो फॉर्म होती है? So what happen? That is nitrogen when react with oxygen. It is the what? Chemical. Okay? That is the formula of nitrogen, oxygen. That react with oxygen form the 2NO. Okay? That is nitrogen oxide. ये क्या है? Nitrogen oxide. क्योंकि oxygen एक ही है यहाँ पर. Okay? यहाँ इसके साथ जो जुड़ा है हमने balance किया है इसको. ठीक है? तो यहाँ it means क्या? अगर हटा दे तो that is nitrogen oxide. Okay? Next thing, what? That nitrogen oxide, okay, again react with the oxygen. So what? That is again react with the oxygen and form what? That is nitrogen dioxide. That form the nitrogen dioxide. So ये दो तरह के क्या हुए? That is oxide बने. किसके? Oxides of nitrogen. Okay, clear? So ये क्या बने? Oxides of नाइट्रोजन फॉर्म हुए. नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? अब NO2 मींस यही नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो होंगे. ओके? सो व्हाट? किसके साथ रिएक्ट करेंगे? वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे. किसके साथ रिएक्ट करेंगे? वाटर के साथ. एंड प्लस अगेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे. दैट विल फॉर्म व्हाट? दैट इज HNO3. क्या फॉर्म करेंगे? दैट इज नाइट्रिक एसिड फॉर्म करेंगे. इट विल फॉर्म द नाइट्रिक एसिड. ओके? दैट इज नाइट्रिक एसिड, HNO3. ओके? दिस इज नाइट्रिक एसिड. सो व्हाट हैपन? अब नाइट्रिक एसिड तो फॉर्म हो जाता है. अब वो क्या होता है? लेट फॉल. ओके? विद द रेन के साथ क्या होता है? गेट मिक्स विद द रेन वाटर एंड फॉल एज अ रेन. ओके? सो व्हाट हैपन? दिस नाइट्रिक एसिड HNO3 विद रिएक्ट विद द कैल्शियम कार्बोनेट मीन्स द लाइमस्टोन. ओके? दैट इज द कॉमन नेम. With HNO3, okay? That is HNO3. If you balance it, तो nitric acid किसके साथ react करेगा? Calcium carbonate के साथ. तो बनाएगा calcium nitrate. That form the calcium nitrate, okay? That is the calcium nitrate, okay? Calcium nitrate, okay? So next thing is what? That calcium nitrate plus CO2 or plus that is water. Okay?
So this is about the lightning, how it takes place generally. Okay, lightning ke process mein kya hota hai? Nitrogen reacts with the oxygen. This is the chemical reaction that takes place during the lightning. What happens? Nitrogen react with the oxygen during lightning. Okay, and so that's why form the 2NO. Okay. Next, again this nitrogen oxide react with the oxygen that form the nitrogen dioxide. These are the what? Oxides of the nitrogen. Okay. Next thing, what? That nitrogen oxide react with the water. Okay, and oxygen that form the what? Nitric acid, that is HNO3. Okay, this is the formula of what? Nitric acid. आपने acid rain के बारे में भी पढ़ा होगा. Acid rain कैसी होती है? इसी different water जब oxygen या sorry sulfur या nitrogen के जो oxides water में mix हो जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? Sulfuric acid या nitric acid form करते हैं और फिर वो क्या होते हैं? Rain water के साथ क्या होते हैं? Mix हो जाने की वजह से क्या होते हैं? Sorry, that fall as a rain. ठीक है? That तो उसी तरह क्या है कि HNO3 नाइट्रिक एसिड जो होती है, ठीक है, दैट रिएक्ट विद द व्हाट मेक्स जो सॉइल में लाइमस्टोन प्रेजेंट होते हैं, दैट इज द कैल्शियम कार्बोनेट व्हिच रिएक्ट विद इट एंड फॉर्म्स व्हाट दैट इज नाइट्रेट. ठीक है, और इस तरह से वो नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है. तो जो नाइट्रेट होता है वो प्लांट्स के द्वारा क्या होता है? अब्सॉर्ब हो जाता है. सो दैट वन अलोंग विद इट द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वॉटर इज फॉर्म. ओके, this is how the lightning process generally what takes place. Okay, clear? So next thing is about the BNF, that is biological nitrogen fixation. Second point is, that is biological nitrogen fixation. Okay, so it was firstly discovered by, isko kisne discovered kiya? That is by Martinus Beijerinck. Okay, discovered by Martinus Beijerinck. Yes sir. Hai sir bacha hai? No sir. Kahan pe dikha sir ko? Okay beta. So what we are talking about, the biological nitrogen fixation. Okay, that was discovered by the what? Martinus Beijerinck. Okay, so kisne discovered kiya tha? Martinus Beijerinck, jo scientist the, unhone biological nitrogen fixation ko kya kiya? Discovered kiya. To biological nitrogen fixation kya hota hai generally beta? Leguminous plants mein hota hai. Kisme? Jaise ki aapne 7th class mein padha hai, leguminous plants. Okay, so फलीदार पौधे जिन्हें हम कहते हैं जनरली, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास पी, ओके, ग्राम, लेंटेन, ओके, व्हाट पल्सेस डिफरेंट, ओके, सो व्हाट बीन. सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ व्हाट दे लेग्यूमिनस प्लांट्स. ये किसके एग्जांपल है? लेग्यूमिनस प्लांट्स के जनरली क्या है? जनरली एग्जाम्पल किसके है? लेग्यूमिनस प्लांट्स की क्या है बेटा? वो एग्जाम्पल है. ठीक है, तो इनसे क्या हमें प्रोटीन जनरली मिलता है. तो प्रोटीन फॉर्मेशन होता है प्लांट्स में जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, ड्यू टू दिस नाइट्रोजन फिक्सेशन. ओके, तो आई हैव सीन, आपने देखा होगा कि इन प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं, ठीक है, इनके जो रूट्स आपने देखे होंगे, अगर कभी ऑब्जर्व किया हो, like this, they have some inflammation is in their roots. आपने उनकी roots देखे हैं, pinkish color के होते हैं और उनके roots में हर जगह क्या होता है? That is inflammation जो होता है वो present रहता है इस तरह से. So what? Okay, that kind of a inflammations. Can't see.
ओके. सो इन्फ्लामेशन जो होता है वो जनरली क्या होता है, देखने को मिलता है. तो दे आर नोन एज द, उन्हें क्या कहा जाता है बेटा, नोड्यूल्स कहा जाता है. क्या कहा जाता है? नोड्यूल्स कहा जाता है. ओके, वी कॉल इट एज नोड्यूल्स. नोड्यूल्स इज व्हाट, दीज आर द फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द व्हाट, दैट इज द इन्फेक्शन बाय, क्यों, जस्ट इन्फेक्शन बाय द बैक्टीरिया. बैक्टीरिया के द्वारा जो उसे इन्फेक्शन मतलब इन्फ्लामेशन जो फॉर्म होता है, एज अ नॉर्मली अगर हम कहें, ठीक है, जो कि रूट्स में उसके फॉर्म होता है ड्यू टू द बैक्टीरिया दैट फिक्स द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन. जो कि क्या करते हैं, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं किसके द्वारा, ठीक है, सॉरी, फिक्स करते हैं एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को इनटू द नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स में. ओके, सो व्हाट दे जनरली डू, सो दीस बैक्टीरिया, ओके, बैक्टीरिया व्हाट, फिक्स द नाइट्रोजन, दैट फिक्स द नाइट्रोजन इनटू द व्हाट, अमोनिया. वो किसमें कन्वर्ट करते हैं उसको, अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम, विद द हेल्प ऑफ किस एंजाइम से, विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम दैट इज नोन एज द नाइट्रोजिनेस. ओके, सो व्हाट द एंजाइम, ये बैक्टीरिया जो होते हैं जनरली बेटा बताऊंगी एग्जाम्पल में, नाइट्रोजन जो होती है उसको किस में फिक्स करते हैं, इनटू द अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं. एंड दैट अमोनिया इज यूज्ड बाय द प्लांट्स टू फॉर्म द डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, नाइट्रोजिनस बायोमोलिक्यूल्स होते हैं उसको फॉर्म करने में, फिर उसे यूज करते हैं. एंड इट जनरली टेक्स प्लेस बाय एन एंजाइम दैट इज व्हाट, विद द हेल्प ऑफ द नाइट्रोजिनेस एंजाइम की हेल्प से वो करते हैं. ओके, क्लियर. सेकेंड थिंग हमारे पास क्या है कि विच बैक्टीरिया और द अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिक्स द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है. सो जनरली कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट अगर हम बात करें सबसे लाइकली नॉर्मली बात करें तो कॉमन कौन सा है, दैट इज अ राइजोबियम लेगमिनेसी. ओके, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं अदर लाइक नॉस्टॉक, ओके, एनाबेना, ओके, व्हाट, एजोटोबैक्टर, Azoto bacter. So these are the some what microorganisms which fix the atmospheric nitrogen into the ammonia with the help of an enzyme that is the nitrogenase. Okay. So in what? In what kind of a plants? The leguminous plants generally. किसमें? Leguminous plants में वो क्या करते हैं? Fix करते हैं. ठीक है? कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जनरली प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स, इन द रूट नोड्यूल्स. ओके, विच काइंड ऑफ एन इन्फ्लामेशन इन द रूट्स. ओके, एंड दे लिव इन इट एंड फिक्स द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, बिकॉज इस तरह के बैक्टीरिया जनरली क्या होते हैं, सॉइल में ही प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो प्रेजेंट होने की वजह से क्या होते हैं, इनफैक्ट द वॉट, रूट्स ऑफ दैट लिग्यूमिनस प्लांट्स, और इस तरह से क्या होते हैं, वो वहां रहने लगते हैं. और इस तरह से क्या है, एक तरह से प्लांट्स उनको क्या देता है, रहने की जगह देता है, और बदले में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उन्हें क्या देते हैं, नाइट्रोजिनस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं उसमें अमोनिया में, एंड देन उसके बाद इट इज यूज्ड बाय द प्लांट्स. तो वो किसके द्वारा यूज होता है, प्लांट्स के द्वारा यूज कर लिया जाता है. तो इस तरह से क्या होता है, दो तरीकों से नाइट्रोजन जो होता है वो जनरली क्या होता है, फिक्स होता है. ओके, सो व्हाट अबाउट द नेक्स्ट इज हाउ द, अब तो नाइट्रोजन फिक्स हो गया. ओके, अब उसको कैसे ऑब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है, जनरली हाउ इट इज यूज्ड. सो नेक्स्ट स्टेप इज आफ्टर द नाइट्रोजन फिक्सेशन, दैट इज द असिमिलेशन. ओके, द सेकंड पॉइंट इज, द फर्स्ट पॉइंट वाज द व्हाट, नाइट्रोजन फिक्सेशन. ओके, द सेकंड पॉइंट इज व्हाट, दैट इज असिमिलेशन. ओके, जैसे अपने डाइजेशन में पढ़ा है असिमिलेशन, किस तरह से न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं जब हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाते हैं, जब कुछ खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में क्या होता है, अब्सॉर्ब होता है. उसके बाद क्या किया जाता है, उसको असिमिलेट मेटा किस तरह से उसको बॉडी में स्टोर किया जाए, फिर उसे यूज किया जाता है डिफरेंट चीजों को फॉर्म करने में. ठीक है, दैट इज रिलेटेड विद द असिमिलेशन प्रोसेस. ओके, तो हम असिमिलेशन की बात करें तो दैट इज नाइट्रोजन असिमिलेशन. वी कैन राइट एज, इसको नाइट्रोजन असिमिलेशन लिख लीजिए, ज्यादा चलेगा. Nitrogen assimilation. Okay, that is nitrogen assimilation. So what about
द प्लांट्स जो होते हैं बेटा, दैट इज प्लांट्स एब्जॉर्ब द नाइट्रेट्स, ठीक है, एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रेट्स को. ओके, किसको? प्लांट्स जो होते हैं जनरली इन नाइट्रेट्स को क्या करते हैं? अब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है. एंड अब्सॉर्ब की बात करने के बाद वो अपना क्या बनाते हैं? प्लांट प्रोटीन्स बनाते हैं. ओके, सो प्लांट्स प्रोटीन बनाते हैं. अब इन प्लांट्स को कौन खाता है? एनिमल्स खाते हैं, ठीक है. तो एनिमल्स जब खाएंगे तो अपना प्रोटीन फॉर्म करेंगे, दैट इज एनिमल प्रोटीन इज बेसिकली फॉर्म. ओके, अब कुछ कार्निवोर्स होते हैं जो इन एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है. सो दीज एनिमल्स, ओके, लाइक हर प्लांट्स जो होते हैं उनको कौन खाएगा? हर्बीवोर्स खाएंगे, ठीक है. सो व्हाट, हर्बीवोर्स की बात की जाए, ठीक है, तो हर्बीवोर्स अपना प्रोटीन फॉर्म करेंगे. इन हर्बीवोर्स पे कौन डिपेंड करेगा? कार्निवोर्स डिपेंड करेंगे, तो वो अपना प्रोटीन फॉर्म करेंगे. ओके, तो इस तरह से क्या होता है, एक साइकिल जो होती है वो हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स तक फॉर्म होती है. तो वी कैन से दैट व्हाट इज द नाइट्रोजन असिमिलेशन. नाइट्रोजन असिमिलेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ व्हाट? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक व्हाट, नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स इंटू ऑर्गेनिक नाइट्रो, मतलब इनऑर्गेनिक नाइट्रोजिनस कंपाउंड जो होते हैं वो किसमें कन्वर्ट होते हैं? इंटू ऑर्गेनिक नाइट्रोजिनस कंपाउंड में. नाइट्रो क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या होते हैं? एंटर करते हैं. जो कि पहले क्या था, वो इनऑर्गेनिक था, नॉन लिविंग पार्ट था, लेकिन बाद में उसने कहां एंटर किया? टुवर्ड्स द लिविंग की बॉडी में एंटर किया, तो वो ऑर्गेनिक हो गया, ठीक है. तो ऑर्गेनिक नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स, ओके, सो दैट इज व्हाट, दैट बिकम अ पार्ट ऑफ दैट, जो कि क्या होता है, एक लिविंग बींग्स का पार्ट बन जाता है. दैट बिकम अ पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ व्हाट? नाइट्रोजन असिमिलेशन. ओके, ये प्रोसेस कौन सा है? नाइट्रोजन असिमिलेशन है. अब तो हमारे पास क्या है, प्लांट्स को अब नाइट्रोजन कंपाउंड्स फॉर्म हो चुके हैं. अब प्लांट्स उसे क्या करेंगे? अब्सॉर्ब करेंगे. बाय द टू प्रोसेस से वो क्या हुआ है, दैट इज फिक्स हुआ है, नाइट्रोजन फिक्स हुआ है, ठीक है, इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स में. ओके, एक प्रोसेस मैंने आपको बताया, दैट इज विद द हेल्प ऑफ द लाइटनिंग प्रोसेस, और एक मैंने आपको बताया विद द हेल्प ऑफ द बायोलॉजिकल मेथड, मींस विद द हेल्प ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को उसके नाइट्रोजन के कंपाउंड में क्या करते हैं, फिक्स करते हैं. ओके, तो दो फॉर्म्स में जब क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्स होता है, तो प्लांट क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं. ओके, तो प्लांट्स उस नाइट्रेट्स को जो उसमें प्रेजेंट होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, तो अपना प्लांट प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है, वो अपना प्रोटीन फॉर्म करेंगे. अब इन प्लांट्स पे हर्बीवोर्स डिपेंड करते हैं, ठीक है, तो हर्बीवोर्स जब एनिमल्स या हर्बीवोर्स डिपेंड करते हैं तो वो अपना प्रोटीन फॉर्म करेंगे. अब हर्बीवोर्स पे कौन डिपेंड करता है? कार्निवोर्स डिपेंड करते हैं. तो कार्निवोर्स क्या करेंगे? वो अपना प्रोटीन फॉर्मेशन करेंगे. तो इस तरह से क्या होता है, एक ऐसा साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है, दैट इज एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इनऑर्गेनिक, ओके, इनऑर्गेनिक नाइट्रोजिनस कंपाउंड जो होते हैं वो किसमें चेंज होते हैं? ऑर्गेनिक नाइट्रोजिनस कंपाउंड में, ठीक है, जो कि क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक पार्ट बन जाते हैं, ठीक है, ओके, क्योंकि वो पहले क्या था, इनऑर्गेनिक था, जो कि क्या था, लिविंग मैटर से रिलेटेड नहीं था, लिविंग से रिलेटेड नहीं था, लेकिन बाद में वो लिविंग में क्या हुआ, एंटर किया, ठीक है, देन ईटन अप बाय द व्हाट, प्लांट्स ईटन अप बाय द हर्बीवोर्स, एंड हर्बीवोर्स आर ईटन अप बाय द कार्निवोर्स. तो इस तरह से वो किसमें, एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्या है, पार्ट फॉर्म हुआ. सो दैट इज अबाउट द नाइट्रोजन असिमिलेशन. ओके, तो ये कैसे होता है, दैट इज, तो नेक्स्ट द सेकंड स्टेप वाज द नाइट्रोजन असिमिलेशन. सो टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज द व्हाट, अमोनिफिकेशन. अब इसके बाद क्या होता है कि अब प्लांट प्रोटीन्स बन गया, एनिमल प्रोटीन बन गया. अब जब एनिमल डेड होंगे यार, बॉडी का जो वेस्ट फॉर्म होगा उसका क्या होगा, ठीक है. सो
today is for enough.